हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही को लगने लगा है कि अरमान उसको अभी भी चाहता है। रूही को लग रहा है कि अरमान उसके करीब आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान को इस बात का एहसास हो गया है कि रूही के करीब जाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए अरमान बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, जिसको देखकर पूरी तरीके से जल भूनकर राख हो जाएगी रूही। क्या होने वाला है ऐसा? किस पार्टी में अपने साथ लेकर जा रहा है अरमान किसी और को नहीं बल्कि अपनी खुद की बीवी अबीरा को? और इसके बाद क्या कदम उठाने वाली है रूही? क्योंकि अबीरा का नया अंदाज देखकर रूही जल भूनकर राख हो जाएगी। चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताते हैं, लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप सभी को बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को पता है कि अब अरमान को एक पार्टी में जाना है। ऐसे में अरमान वो कपड़े पहन लेगा जो रूही उसे देती है। ये देखकर रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। रूही को लगेगा कि अरमान अभी भी उसकी बात मानता है और उसको अपनी जिंदगी में एक स्पेशल जगह दे रखी है उसने। लेकिन इस बात के बाद अरमान को ये लगने लगेगा कि अब बहुत जरूरी है कि रूही को ये एहसास करवा दूं कि तू मेरी जिंदगी में नहीं है, तुम रोहित की अमानत हो, मेरे भाई रोहित की बीवी हो। और इसीलिए अरमान अबीरा के दिए कपड़े पहन लेगा जो कि अबीरा ने अरमान के लिए चुने होंगे। और ऐसे में यहाँ पर जो अबीरा है वो भी अरमान से ये कहेगी कि मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी में चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर तो रूही और ज्यादा जल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आएगा कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर विद्या बड़ा कदम उठाएगी और विद्या ये कहने वाली है कजन्स को अरमान की, जाओ जाकर तुम लोग अबीरा को तैयार करो क्योंकि इसको तैयार होना बिल्कुल भी नहीं आता है। और ऐसे में कजन्स मिलकर अबीरा को एकदम स्टाइलिश बना कर ले आएंगी और ये देखकर जल भुनकर राख हो जाएगी रूही। और यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि जो अरमान की कजन्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगी अरमान के साथ पार्टी में जाने को। लेकिन इस बार अरमान रूही से नहीं पूछने वाला है कि क्या तुम भी चलोगी पार्टी में। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या अब रूही और ज्यादा चिढ़ने वाली है अबीरा से? वेल, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।